हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पारस डिफेंस के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पारस डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है और उसके अंदर जो नए नए डिजाइन्स वगैरह लाने होते हैं उससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी चार सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें से पहला जो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। डिफेंस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है और एक हैवी इंजीनियरिंग है जो पार्ट है, यहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से रिलेटेड भी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन मेजरली रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो जो डिफेंस और स्पेस वाले प्रोडक्ट्स हैं उससे उनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि मार्केट में थोड़े बहुत डिस्कशन भी चल रहे हैं कि जो ड्रोन, यानी कि जो एग्रीकल्चर एरियाज में जो ड्रोन यूज किए जाते हैं उससे रिलेटेड भी ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो देखिए, लगभग 2770 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम ROC के नंबर्स की बात करेंगे तो 11.9% का ROC पिछले साल था, जहाँ पे हमने पिछले साल पैंडेमिक देखा था 6 महीने, तो वहाँ पे 11.9% का ROC का नंबर था और ROE का नंबर भी 7.93% पे था। लेकिन अगर हम डेट की बात करेंगे तो अराउंड 102 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन ये IPO से पहले अभी अराउंड अगर हम देखेंगे नवंबर या अक्टूबर के लगभग कंपनी का IPO आया था, तो वहाँ पे ये डेट का नंबर कम हुआ है। क्योंकि ये डेट का नंबर अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो जो फिनेंशियल ईयर एंडिंग पे जो कंपनी का डेट होता है वो यहाँ पे शो होता है। तो देखिए, अगर हम इंडस्ट्री के PE की बात करेंगे तो इंडस्ट्री को भी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे 50 से ज़्यादा का PE मिल रहा है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये जो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो वहाँ पे PE रेशियो काफ़ी कम है और इसीलिए इंडस्ट्री का PE हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी कम नज़र आता है इन कंपेरिजन टू पारस डिफेंस। तो देखिए, भले ही यहाँ पे PE रेशियो इतना ज़्यादा है, लेकिन इतने PE रेशियो पे ट्रेड नहीं हो रहा है। पारस डिफेंस 100 के नीचे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और वो जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब अगर हम फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इतना कुछ खास फिनेंशियल ट्रेंड कंपनी का नहीं है। 18-19 में थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो हमें कम होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर कम हो गया था और प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे नी के बराबर हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 144 करोड़ का यहाँ पे पिछले फिनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर रहा है और 15 करोड़ का वहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का रहा है। तो फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछले 4 साल में बिल्कुल भी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिखाई है, बल्कि जो रेवेन्यू के नंबर थे वो हमें कंपनी के पिछले 2 साल से लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले के 3 क्वार्टर्स इतने अच्छे कंपनी के नहीं रहे थे, लेकिन देखिए सितंबर 2021 में कंपनी ने 52 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। देखिए, अगर हर क्वार्टर में ये रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती तो लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पूरे साल में हो सकता है। और उसके अगले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 43 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, तो अराउंड 95 करोड़ का पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर इतना आने वाले 2 क्वार्टर्स में और कंपनी जनरेट करती तो लगभग 190 करोड़ का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर्स में कमाया है। तो देखिए, अगर आने वाले 2 क्वार्टर्स में और ये नंबर हो जाता है तो वहाँ पे 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो जाएगा। और देखिए, अभी 3000 करोड़ के नीचे का कंपनी का मार्केट कैप है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो PE रेशियो का नंबर आएगा वो अराउंड 80-90 times हमारे सामने आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने जून 2021 वाले क्वार्टर के बारे में बात क्यों नहीं की है, क्योंकि देखिए ये जो क्वार्टर था यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो जितने भी ऑपरेशंस हो रहे थे वो सारे बंद हो गए थे। तो मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने में मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 58% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है, और जो भी हमारे एफआई यानी कि जो हमारे फिरंगी है उन्होंने यहाँ पे अपना होल्डिंग पूरा पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेल कर दिया। सिर्फ 0.80% की होल्डिंग उनके पास है। अगर डीआईएस की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी आधी होल्डिंग से भी ज्यादा होल्डिंग उन्होंने बेच दी। और एडीएन यहाँ पे किसने होल्डिंग बढ़ाई है तो वो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो जो आईपीओ जब लिस्ट हुआ था तो वहां से भी 100% की रैली हमें देखने को मिली थी। तो मेरे ख्याल से मैं इसके प्राइस चार्ट में हम जब बात करेंगे तो उसके बारे में हम वहां पे बात करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंपनीज आपके सामने दिख रही है तो इन कंपनीज में से एक ही कंपनी जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी कंपनी, जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए एमटा टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी 101 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है, और अगर हम इसके भी ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो अराउंड 20% नीचे एमटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए एमटा टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर अगर वो पूरे डिफेंस में ही वो कंपनी काम नहीं करती है, उसके अलावा उनके पास क्लीन एनर्जी में भी उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो दोनों इंडस्ट्री खास करके जो डिफेंस इंडस्ट्री है और उसके अलावा जो क्लीन एनर्जी वाली इंडस्ट्री है ये आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है, और वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी काम करता है और इसीलिए उसको लगभग 100 का पी रेशियो मिल रहा है। और अभी हमने जब पारस डिफेंस के पी रेशियो की बात की थी तो पारस डिफेंस भी लगभग 80-90 times के लगभग ही ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ गलत नहीं है। लेकिन देखिए जब इतनी 80-90 times के पी रेशियोज अगर मार्केट अगर किसी कंपनी को दे रहा है तो वहाँ पे मार्केट लगभग 30-40% के CAGR की ग्रोथ मार्केट वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी आपको इतने वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि कभी भी अगर ये ग्रोथ के नंबर्स की इन कंपनीज नहीं दे पाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस को पनिश कर सकता है। तो देखिए 684 rupees पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे आज 6% ये स्टॉक ऊपर था। तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 45% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इसके ऑल टाइम हाई से आपको इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड इस स्टॉक में थी, लेकिन फिर इसने जो फिनोमिनल रिटर्न दिए थे। तो हमने जो DIS और FIS की होल्डिंग देखी है तो देखिए सीधी सी बात है अराउंड 200 rupees के नीचे स्टॉक ने अगर हम देखेंगे तो IPO में शेयर होल्डर्स को शेयर दिए थे, तो वहाँ पे अगर 6 times मार्केट अगर 1-2 महीने में अगर स्टॉक के प्राइस को कर देगा तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें FIA और DIS की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग होगी, डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस गिरेगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अब एडीएन अपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको IPO से इसमें अलॉटेड मतलब आपको आपने इसके IPO में इन्वेस्ट किया हुआ है और मतलब आपके पास IPO के शेयर्स पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली बने रहिए। खास करके अगर हम देखेंगे तो डिफेंस में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें बजट देखने को मिला था तो वो लिख रहा था कि गवर्नमेंट यहाँ पे डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करने वाला, और गवर्नमेंट का भी फोकस अभी धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स पे आ रहा है। तो प्राइवेट प्लेयर्स में अगर हम देखेंगे तो 3 companies जिसका नाम है पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स और एमटा टेक्नोलॉजी, ये तीनों कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इन तीनों कंपनीज में अगर आपको पूरे डिफेंस में एलोकेशन लेना है तो आप तीनों कंपनीज में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म माइंड विषय डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बात आपको माइंड में रखनी है अगर आने वाले टाइम पे अगर कुछ बैड क्वार्टर्स होते हैं तो मार्केट डेफिनेटली इसे बुरे वे में पनिश करेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो देखिए शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा हैवी करेक्शन नहीं होते तो आज जिस तरीके की बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है तो मेरे ख्याल से अगर 700 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो वहाँ पे लगभग 800 या 850 rupees के लेवल्स हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।